बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम देखेंगे प्रोग्राम, आप मेट्रो टाइम न्यूज़ से लाइव देख रहे हैं, मैं ताहिर महमूद हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफाकी वज़रा ने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान पर कड़ी तनकीद की, और इस तनकीद की वजह बनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको लेकर ना अपोजिशन संजीदा है और ना ही इलेक्शन कमीशन इसको लेकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को संजीदा है। ये इस तनकीद की वजह बनी, और आज़म सवाती साहब ने तो ये तक कह दिया कि हमें पता है राजा सिकंदर सुल्तान साहब किस तरह चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर बने, हमें ना छेड़ें। और इसके अलावा नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि झगड़ा इलेक्शन कमीशन से नहीं है, झगड़ा राजा सिकंदर सुल्तान से है। जैसा कि माजी में ये कहा जाता रहा था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि उनका झगड़ा इमरान खान से नहीं है, उनका झगड़ा इमरान खान को लाने वालों से है जो उनको लेकर आए हैं। इस सिलसिले में नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब ने भी काफ़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और शदीद तनकीद का निशाना बनाया इलेक्शन कमीशन को। और दोनों वफाकी वज़रा आज़म सवाती और फवाद चौधरी साहब का क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं, ज़रा सुनिए। इलेक्शन कमीशन एक हेडक्वार्टर बन गया है इस वक्त अपोजिशन का। इलेक्शन कमिश्नर जो है वो एक माउथपीस बन गए हैं अपोजिशन का। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इस तरह से एक सियासत करनी है तो मैं तो उनको दावत दूंगा कि वो इलेक्शन कमीशन को छोड़े और खुद इलेक्शन में उम्मीदवार आ जाए। आज आप अपोजिशन की जबान बोलकर अपोजिशन के उस मकरूह करदार को सामने लाकर जिस तरीके से खिलवाड़ बमकाबला हमारी हुकूमत का कर रहे हैं, इंशाल्लाह सीसा प्लाई दीवार की तरह खड़े हैं। इसलिए और फिर 19 जनवरी को 2021 के अंदर मौलाना फजरमान और मरियम सफ्तर ने जो बातें की उनको कितने नोटिस मिले, आज मुझे नोटिस दे रहे हो। हमारा इलेक्शन कमीशन से कोई झगड़ा नहीं है, राजा सुल्तान से हमारा झगड़ा। जी नाज़रीन, वफाकी वज़रा का ये कहना है कि मौलाना फजलुर्रहमान और मरियम सफदर साहिबा ने भी इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ काफ़ी बातें की थी, शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया था, लेकिन उनको तो कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, लेकिन हुकूमती वज़रा को नोटिस जारी किए गए। फवाद चौधरी साहब का मज़ीद ये कहना था कि शैतान भी धरना देगा तो मरियम सफदर, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो इसके पीछे बैठ जाएंगे और शैतान के साथ मिलकर तालियां बजाएंगे। फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि हम इस्लाहात करने जा रहे हैं तो आप क्यों हर कदम पर रोड़े अटका रहे हैं। नाज़रीन, इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेके ये ऊंट किस करवट बैठेगा? क्या 2023 के इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल हो सकेगी, और क्या अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेके इकट्ठे हो सकेंगे? इस मौजू पे आज बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल मेहमानों से आपका तारुफ करवाता चलूँ। मोहतरमा ज़ैनब उमैर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेंबर हैं पंजाब असम्बली की, और मिर्ज़ा जवेद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, ये भी मेंबर हैं पंजाब असम्बली के। मैं दोनों मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। मिर्ज़ा जवेद साहब, ये फरमाइएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ले कर आप क्या देख रहे हैं, ये ऊँट किस करवट बैठेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखें, पहले तो जो आपने अभी वज़ीर साहिबा की बातें सुनाई हैं, जी जी, अपोजिशन का तो हक होता है तनकीद करना, बातें करना, कभी हुकूमत ने भी ऐसे बातें की? तो मेरा ख्याल है उसे ये इलेक्शन कमिश्नर को लाने वाले भी खुद हैं। तो आज अगर इन्हें ये जो कंट्रोलमेंट बोर्ड के इलेक्शनों में हार तस्लीम हुई है, ये अपनी सोच को क्लियर करें कि अवाम ने इनकी नफरत का वोट दिया है मियां नवाज शरीफ साहब को, और शहबाज शरीफ जो पंजाब के खादिमे आला थे उनकी खिदमत का वोट मिला है। तो ऐसे कहना, जब ये सीट जीत जाते हैं तो कहते हैं जिंदाबाद, जब ये हार जाते हैं तो इलेक्शन कमिश्नर को ऐसी बातें करना या किसी भी अहदेदार को, मैं कहता हूँ ये ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, ये अवाम को सहूलतें दें। तो हम तो चाह रहे हैं, हमने तो पहले भी नहीं कहा था कि हम वोटिंग मशीन लाते हैं, ये कहते हैं ये इनकी अपनी सोच है। इसमें इलेक्शन कमिश्नर ने और बाकी सब पार्टियों ने भी बेशुमार ऐसे जो के फॉल्ट निकाले हैं जो कि ये काबिले कबूल नहीं है। अच्छा मिर्जा साहब, आपको क्या लगता है कि ये इलेक्शन जो 2023 में आने वाले हैं, ये 2 साल बाद, आपको क्या लगता है कि ये इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं होने चाहिए? मैं नहीं, तो साफ होने चाहिए, शफाफ होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए? तो इस वजह से ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मुतारफ कराया गया, जिस पे एलिगेशन लगा के इसको मुस्तरद कर दिया गया, यही तो सारी वजह बनी इन तनाजात की और ये जो गुफ्तगू हो रही है।
देखें ये पहले ट्राई करें, हमारे मुल्क में बेशुमार ऐसे इलेक्शन होते हैं, आप देखते हैं वकला के इलेक्शन होते हैं, हर मार्केट के इलेक्शन होते हैं, इन्हें अवाम को तारफ कराना चाहिए था इसका। अगर अच्छा होता तो कोई काबिल कबूल में से कबूल करने के लिए तैयार होते हैं। अवाम के पास तो तब पहुंचेगी मिर्जा साहब जब आप लोग इस चीज पे रजामंद होंगे कि ठीक है जी एक पेज भाई जान, ये तजर्बे होते हैं छोटे छोटे, ये तजर्बे होते हैं छोटे छोटे, ये बात नहीं है। अभी तो इलेक्शन कमिश्नर ने इस पे बेशुमार इतराज लगा दिए हैं कि इसमें ये भी नुकसान है, ये भी नुकसान है, ये भी नुकसान है। अभी हमारा मुल्क इतनी तरक्की याफ्ता नहीं है तो मिर्जा साहब इसको तरक्की याफ्ता बनाना था। हमारे देहातों में भाईजान अभी तक आप देखते हैं कि कैसे बुजुर्ग हैं, उन्हें लाना पड़ता है वोट लाने के लिए, वो सिर्फ नाम बताते हैं ऐसा करना मैंने, तो वो अकेले वोट अभी नहीं डाल सकते। अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, अभी ये मुतारफ कराए। अभी तो बेशुमार ऐसे मुल्क हैं, ये जितनी एनर्जी इस पे जाया कर रहे हैं उतनी भाई अवाम में जो महंगाई है उस पे जाया करें। पेट्रोल की कीमत का देखिए कैसे बोलते थे, ओगरा ने 1.25 रुपया का ऐलान किया है कि बढ़ेगी कीमत, आपके टीवी चैनल पे बाकियों पे मैंने देखा है कि 1.25 रुपया, इन्होंने 5 रुपए बढ़ा दी है। ये अवाम की सोच है, ये कंटेनर पर इन्होंने वादे किए थे, तो ये अवाम को सहूलतें वो देने पड़ जाएंगे। जैसे ये चाहते हैं ना कि ये इलेक्शन चोरी हो जाए, इंशाल्लाह ये हम ना होने देंगे और ना कोई इसे अभी चोरी कर सकता है ये 2023 वाला जी। ठीक है मिर्जा साहब आपका मौकफ आ गया। मुहतरमा ज़ैनब उमैर साहब ये फरमाइएगा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का ये जो तनाजा है, ये ऊंट आपको किस करवट बैठता हुआ नजर आ रहा है, क्या ये इस पे इम्प्लीमेंटेशन हो सकेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताहिर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस मौजू पे हम पहले भी कुछ काफी गुफ्तगू कर चुके हैं और लेकिन क्योंकि मसला अभी तक वही का वही है तो इसलिए अच्छी बात है कि हम बार बार मसले को उठा रहे हैं। देखिए एक तो जहाँ तक इलेक्शन कमीशन की बात है तो बड़े वाजे तौर के ऊपर मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये जो हमारे वज़रा ने और अगर इसके ऊपर कोई बहुत खुल के बात की है तो वो इस नतीजे में की है कि जैसे आपने सुना होगा ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। Yes. आपको उठ के कहने की जरूरत नहीं है, आपके जो एक्शन होते हैं वो साबित करते हैं कि आपका टिल्ट किस तरफ है। आपके सेनेट के इलेक्शन आप देख लें, आपके इसके अलावा बाकी जब ये खास तौर जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात कर रहे हैं जी जी, आप मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है इस इलेक्शन कमीशन के इस अमल के ऊपर कि उन्होंने बेशुमार मतलब मेरे ख्याल है कुछ 37 से 39 के करीब तो मेरे ख्याल है उन्होंने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाए हैं। जी जी, मेरा नहीं ख्याल है कि उन्होंने आज तक कोई 37 से 39 तजावीज दी होंगी, कोई पॉजिटिव एक्ट किया होगा, लेकिन ये जो इन्होंने ऑब्जेक्शन लगाने के लिए उन्होंने कोई 37 से 39 जना ऑब्जेक्शन इसके ऊपर लगा दिए। अभी मिर्जा साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि बड़े इलेक्शन होते हैं सारी जगहों के ऊपर और वकला के इलेक्शन होते हैं, मैं खुद वकील हूँ और पिछले हाई कोर्ट के इलेक्शन जो हमारे होते हैं कई साल हो गए, आज की बात नहीं है, अब तो कई साल हो गए, ये टेस्टेड एंड ट्राइड है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। और इसमें हमने ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है ये अब लाहौर बार के अंदर बाकी तमाम बार के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है वो की जा रही है और जो जो लोग रह गए हैं उसमें होता है, सिंपल होता ही है कि आपका डाटा वहाँ के ऊपर होना चाहिए आपके CNIC के हिसाब से और आपको एक दफा जाके अपना अंगूठा लगवाना है, आपने रजिस्टर हो जाना है। अब प्रॉब्लम क्या है इन लोगों को, ये जो बात कर रहे हैं ना देखो ठीक है इन्होंने के जो देही इलाके होते हैं वहाँ के ऊपर जो बुजुर्ग लोग हैं और बाकी लोग हैं उन सबको किस तरीके से उठा के लेके आना होता है। जी जी, हमने भी देखा है, माजी में भी देखा है, इलेक्शन में भी देखा है, ट्रैक्टर ट्रॉलियों के अंदर लोगों को जो 5-5 और 1000 रुपया दे के भर भर के हम लेके आते रहे हैं जी। और वो कौन लेके आता रहा है, कौन सी जमात लेके आती रही है, इनको बड़े तरीके से पता है, इनको नजर ही आ रहा है कि उस ट्रैक्टर ट्रॉली को तो भर लेंगे लेकिन जब वो अंगूठे वहां पर लेके जाएंगे तो वो अंगूठे हम कैसे वो असली वाला अंगूठा लगाएंगे जी। तो वो तो आसान तो है कि आप कागज के ऊपर किसी तरीके से भी वहाँ पे आप जो मर्जी कर लें और करके वो एक मोहर लगा दें, मोहर पे तो नहीं कोई वेरिफिकेशन होनी, लेकिन उस अंगूठे के ऊपर एक जो है उस अंगूठे पे तो जरूर वेरिफिकेशन होनी है जी। दूसरी बात ये है कि बेशुमार ऐसे लोग हैं जो लोग जिनकी डेथ हो चुकी होती है वफात पा जाते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अभी आप जिस तरह कैंट के इलेक्शन की बात कर रहे हैं मैंने खुद इस चीज को विटनेस किया, मैं लाहौर के इलेक्शन जो थे वो मैं डिफरेंट पोलिंग स्टेशन के ऊपर मैं गई भी हूँ, मैंने देखा भी है, इस दफा बड़े अजीबो गरीब हालात थे। और आप ये देखें कि जितने भी लोग जिनकी डेथ हो चुकी है उनका डेटा आप ट्रेड किया ही नहीं क्या,
अब वो सब ग्रेडेड डेटा जो है वो उसमें जितने भी मरे हुए लोग हैं एंड पे क्या होता है जी, जितने आपके वोट रह जाते हैं मरे हुए लोगों के आईडी कार्ड के ऊपर आपने मिलना है और वहाँ का जो आरओ है उस आरओ से आप लोगों ने मेल मिला के और वो तमाम आखिर में जो रह जाने वाले वोट है आपने वो सारे वोट डाल देने। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है वो मरे हुए शख्स का अंगूठा भी नहीं लगा सकती, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम मरे हुए शख्स का अंगूठा कैसे लगाएंगे, वो जाली लोग उनका अंगूठा कैसे लगाएंगे, ट्रॉली में बार बार के जो लोग लेके आएंगे उनके अंगूठे कैसे लगाएंगे, और जब वो अंगूठे नहीं लगेंगे तो फिर आपकी वोटिंग चेंज हो जाएगी। अभी इन लोगों ने आप ये देखे हैं कि हर चीज के ऊपर ये जो मैंने कहा ना कि जी इनके एक्शन जो नजर आ रहे हैं जी। पिछले दफा में इन लोगों ने इंतहाई इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो एहतजाज किया और बहुत ज्यादा इसके ऊपर ये लोग बोले वो था ओवरसीज पाकिस्तानी के ऊपर जी बिल्कुल। ओवरसीज पाकिस्तानी को आप लोगों ने राइट ऑफ वोट नहीं देना, ओवरसीज को आपने राइट ऑफ वोट नहीं देना, अंगूठे वाले को आपने राइट नहीं देना, आपने जाली वालों को जो है ना उनको आपने राइट नहीं देना। भाई आपने फिर देना क्या है, आप किसी किस्म की इस्लाहात इस मुल्क में करना ही नहीं चाहते हैं। ये अभी आप अमेरिका की आप बात करें 50-55 स्टेट्स हैं उनकी सारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती हैं और हम इतना आसान तरीन तरीका है, इसमें किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, इसमें किसी इंटरनेट की जरूरत नहीं है जी। किसी भी चीज की इसमें जरूरत नहीं है, एक बहुत आसान तरीका है जी। मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं तो खुद पिछले 5 साल से इसको एक्सपीरियंस करती आ रही हूँ लाहौर बार में भी और लाहौर हाईकोर्ट बार में भी, और वहां पे हम सिंपली जाते हैं अपना एक अंगूठा लगाते हैं, अंगूठा वेरीफाई करता है, एकदम से स्क्रीन के ऊपर हमारी फोटो आ जाती है जी। अब क्योंकि मैं जिंदा हूँ, मेरा ही अंगूठा है, मेरा ही शनाख्ती कार्ड है, नादरा से वेरीफाइड है, मेरी फोटो आ जाती है और सामने मेरे पास ऑप्शंस आ जाती हैं। मैं जिस ऑप्शन को टच करती हूँ वो कंप्यूटर उसी ऑप्शन को दो तरीके से लेता है, एक इलेक्ट्रॉनिकली जो उस कंप्यूटर में चली जाती है और उसके बाद दूसरा जो है हम जिस ऑप्शन को ऑप्ट कर लेते हैं साथ ही में एक प्रिंट निकल आता है। अब वो जो प्रिंट है मैंने निकाला, मैंने देखा एग्जैक्टली वही वाला शख्स है जिसको मैंने अभी टच किया है जी। अब वो जब प्रिंट निकल आया मैंने उसी प्रिंट को फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद मैंने अपने बैलेट पेपर बैलेट बॉक्स के अंदर डाल दिया जी। मेरे पास सिंगल नहीं, मेरे पास डबल चेक आ गया एग्जैक्टली वही वाली बात जो है। आप ये देखिए मेरा ख्याल है कि इस तफसील को उन्होंने रिस्पेक्टेड जो एतजाज एहसन साहब हैं जी जी, ये उन्होंने भी इसको टीवी के ऊपर बड़ी दफा बताया, इससे कि वो भी वकील हैं, वो भी बड़े अच्छे से इसी चीज को कर रहे हैं जी। तो ये तो कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है, इसमें जो एतराज करने की बात है वो एग्जैक्टली ये है कि जिन लोगों को ये मसला है कि इनकी चोरी पकड़ी जाएगी वो अपनी चोरी बचा रहे हैं, वो एतराज कर रहे हैं इस पे। 37 छोड़ के आप 137 के ऊपर आप चीजें लगा लें, हकीकत वहीं की वहीं रहेगी। तो आपके लिए साइड इन्होंने बल्कि बड़ी एक हमारे किसी प्रोग्राम के बीच हमारे किसी तरह के अपोजिशन के साथी थे जी, उनको इस चीज का शायद इल्म ही नहीं था, उन्होंने कहा जी पिछली दफा के बीच फलां चीज हो गई और इंटरनेट और फलानी मशीनें बंद होगी, इसमें कोई मशीन ही नहीं है जी, इसमें तो जो रिजल्ट आना है वो रिजल्ट ही आपका फॉर्म 45 आना है और उसी पोलिंग स्टेशन उसी पोलिंग बूथ से आना है, ठीक है, तो धांधली के चांसेस ही खत्म हो जाएंगे जी। ठीक हो गया जी। मिर्जा साहब ये फरमाइएगा क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो मनसूबा है ये 2028 पर जाएगा, जैसा कि वफाकी उज़रा की जानब से भी ये कहा गया है कि वो इसको 2028 तक नहीं जाने देंगे, 2023 के इलेक्शन में ही कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल हो। देखिए मेरी बहन ने बहुत खूबसूरत बात की कि हम वकला में ये वोट डालते हैं ऐसे होता है, देखें ये प्रेक्सिट आहिस्ता आहिस्ता होगी, ये मुतारफ कराएं वकला के इलेक्शन में कराएं जो हमारे वो तो कह रही इलेक्शन होते हैं। देखें मिर्जा साहब मोहतरमा ज़ैनब उमर साहब तो कह रही है 5 साल से एक्सपेरिमेंट हो रहा है इस पे, मेरी बात भैया वही बात मैं कर रहा हूँ, हम तो प्रैक्टिकली कर रहे हैं सॉरी प्रैक्टिकली कर रहे हैं 5 साल से, ये मुतारफ करवाएं जब इसके रिजल्ट अच्छे होंगे, क्योंकि वकला माशाल्लाह सब पढ़े लिखे होते हैं, अगर ये 2-4 बार कहते हैं कि ठीक है जी इसमें दांत लेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वाम में भी शौर आ जाएगा तो हो जाएगा। तो जैसे ये कहें कि हमने इसमें इतने निकाल दिए तराजात भी, तो ये कहें कि हम नहीं 2023 में करेंगे तो ऐसे तो नहीं होगा, अवाम को भी इतमाद में लेना पड़ेगा, अपोजिशन को भी इतमाद में लेना पड़ेगा। तो अभी ये हमारा मुल्क इतना तरक्की याफ्ता नहीं है कि ये फौरी तौर देते ये इसे नाफज कर दें और वो काबिल कबूल कर ले, इंशाल्लाह ये ऐसा नहीं होगा, पहले ये मुतारफ करवाएं अपना करें काम। तो वोट कोई ऐसे नहीं होता कि जाली वोट जो ऐसे पड़ जाते हैं, हमने तो नहीं मिर्जा साहब ये चार लाखों का ऑफर पाया था, हम तो कहते हैं ये सिलेक्टेड है, हमने तो देखो ना हमने तो हमेशा कहा ये सिलेक्टेड है, हमें कोई ऐसा तराज नहीं है कि ये करें, लेकिन ये पहले मुतारफ कराएं
अवाम को इन्होंने कहा है कि अभी ये कंट्रोलमेंट बोर्ड के इलेक्शन है, आपने देखा है? नहीं मिर्जा साहब, मिर्जा साहब ये फरमाइएगा ये जो मरे हुए लोगों के खिलाफ ये इसीलिए हुए हैं कि ये इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कैसे जीत गई। नहीं ये मुझे ये बताइएगा, ये जो अभी मोहतरमा ज़ैनब उमर साहब फरमा रही थी कि जो ट्रैक्टर ट्रालियों पे लोगों को भर भर के लाया जाता है पैसे दे के, तो ये मरे हुए लोगों के अंगूठे जो है वो नहीं लगवा सकेंगे, आपको क्या लगता है? अगर ये जी मेरी बहन ने ठीक कहा है, गांव में ट्रैक्टर ट्रालियों पे लोग आते हैं, लेकिन ये जो बात है ना कि वो 500 रुपया लेकर जो गांव वाले लोग हैं ना वो अपना जमीर सेल नहीं करते, वो अपना जमीर फरोख्त नहीं करते। मैंने खुद इलेक्शन लड़ा है बेशुमार जगह देते, देहाती इलाके में ऐसा सिलसिला नहीं है कि आप किसी को 500 या 1000 रुपया देकर कहें कि ये वोट आप मुझे डाल दें। शहरों में होता है, शहरों में लोग पैसे लेते हैं। नहीं मैं ये नहीं कहता कहता कि पैसे लेते हैं, शहरों में होता है कोई ना कोई डिमांड रख लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि वोट एक अमानत है और जमीर की आवाज है। जिस जो कौमें अपना वोट फरोख्त करने लग जाएंगी तो उनके हुक्मरान जो पैसे देकर आएंगे अवाम को इंसाफ क्या देंगे, अवाम को महंगाई को क्या कंट्रोल करेंगे? ऐसे ही होगा जैसे अभी ये हो रहा है, क्योंकि हम तो कहते थे कि जंगीर तरीन ने पैसे खर्च किए, उन्होंने जहाज भर के लाए, इन्होंने पंजाब में ऐसे हुकूमत बनाई है। हम तो कहते हैं कि ये जो हमारे जो लोटे होते हैं मेंबर किस लिए होते हैं? पैसे ले लेते हैं, मफाद लेते हैं भाई जान, बिल्कुल ये लोटे होते हैं मफाद लेते हैं। इमरान खान नई साहब ने कहा था कि मैंने जितने भी काम कराए बलदियाती इदारों के थ्रू कराऊंगा, ये जो फंडिंग है, ये जो आप डेवलपमेंट की देते हैं, ये रिश्वत है, एमपी एमएनए को ये रिश्वत है। तो लोगों ने कहा जी बहुत खूबसूरत बात करते हैं, तो अभी तो उन्होंने बलदियाती इदारे खत्म कर दिए, किसी बलदियाती इदारे के थ्रू कोई सड़क बनी है? अभी ये जो दे रहे हैं अपने मेंबरों को, जो हरे हुए मेंबरों को दे रहे हैं, ये रिश्वत नहीं है? अवाम को नजर नहीं आती कि इमरान खान नई साहब जो कहते थे वो करते नहीं है? अजीम जी, अब ये इत्माद खो चुके हैं, अब ये इत्माद खो चुके हैं, तो जब इत्माद बहाल ना हो तो फिर यकीन नहीं होता किसी चीज पर। अभी इनकी ये जो इन्होंने सबल बाग दिखाए थे, अभी इनकी किसी बात पर अवाम को यकीन नहीं है। ये अपना इत्माद बहाल करें तो उसके बाद ये मुतारफ कराए, अच्छी बात है। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया मिर्जा साहब। मोहतरमा ज़ैनब साहब ये फरमाइएगा, क्या ये जो मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास है इसमें ये बिल मंजूर हो सकेगा? सर इस बात पे जाने से पहले दो तीन बातें हैं जिसका मैं जवाब देना जरूरी समझती हूं। जी 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 जरूर। कि एक तो मेरा अपना ख्याल है कि मिर्जा साहब जो है ना वो या तो ज्यादा मासूम आदमी है और या इन्हें चीजों के बारे में ज्यादा पता नहीं है। ये जितनी अच्छी बात कर रहे हैं बड़ी आइडियलिस्टिक बातें कर रहे हैं कि लोग जमीर नहीं अपना बेचते और ये नहीं करते वो नहीं करते, लेकिन लोग तो सारा कुछ बेच के लंदन चले जाते हैं, ये क्या बात करते हैं? तो इनको नहीं पता ये क्या बातें करें। और ये जो कह रहे हैं 500 की बात जो कर रहे हैं, ये जो बिरयानी की प्लेट 500 तो बहुत ज्यादा है, बिरयानी की प्लेट आटे के थैले ये किन लोगों ने मुतारिफ कर रहे हैं कि फिर उस दिन ट्रक के ट्रक उतार दो और एक एक घर में आटे का थैला और पकड़ो और अपनी गाइड शिनाख्ती कार्ड नहीं, वो तो खलके खुदा को खाना खिलाते हैं मोहतरमा ज़ैनब उमर साहब। ये खलके खुदा को खाना इलेक्शन के दिन ही खिलाते हैं, ये उससे पहले ही खिलाते हैं, उससे पहले खुद ही खाते हैं, ये खाते हैं हमारे बच्चों का और खिलाते हैं अपने बच्चों को, है ऐसी कोई बात नहीं है, ये इनको समझ रही है। बात ये है कि ये जो इन्होंने बात की ना कि जी लोग वहां के ऊपर, ये शहरों में ऐसा होता है गाँव में ऐसा नहीं होता, पहली बात ये है कि ये शहर के बताना शुरू करते हैं, कम अज कम चले मैं फिर भी इनके इनको अप्रिशिएट करती हूँ कि इन्होंने आधा सच तो बोला, जो बाकी का आधा आधा इन्होंने झूठ बोला, बाकी आधा इन्होंने सच बोला, तो गाँव वाला झूठ था शहर वाला सच था, तो कम अज कम चलेंगे दोनों बातें इनकी हम मान लेते हैं। ठीक तो ये शहर की बात कर रहे हैं और ये लाहौर के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, क्या इनको ये नहीं पता कि हर हल्के के बीच में कितने करोड़ों रुपए चले हैं? हो सकता है कि ये उन पैसों से मुस्तफीद ना हुए हों, लेकिन यहाँ के ऊपर जो है वो पूरी मुस्तरद और इतला के मुताबिक फी वोटर 3000 से लेके 5000 तक जो है वो लोगों को दिए गए हैं। ये हमने नहीं, आपके नून लीग के वोटर से आप पूछें, और उन्होंने बड़ी तारीफें की है कि वाह जी वाह 3000 से लेके 5000 तक सारे जो ना एक एक वोटर में मिला है, जो जो शख्स है शिनाख्ती कार्ड दो और 3000 से लेके 5000 रुपए वसूल कर लो वोट के लिए। ठीक है, क्या बात करते हैं, यहाँ देख लें इतनी क्लीन स्वीप,
जो ये देखिए यहाँ के ऊपर जो जो बहुत ज्यादा जितनी जी जान लगाई है ना वो साद रफीक साहब ने लगाई है, इनको बड़े अच्छे तरीके से पता है, इनके तो वो कलीग हैं, हम भी उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। इस लाहौर के इस हलके में जो कैंट के इलेक्शन हुए उनके लिए लाइफ एंड डेथ का मामला था, तो पार्टी ने तो उनको खुटे लाइन लगाया हुआ है, वो तो कहते हैं कि मरियम के पीछे हाथ बांध के खड़े हो जाओ, वो तो कहते हैं कि सर झुकाओ और उसके उसके जूतों को देखो, इसलिए क्योंकि वो नवाज शरीफ की बेटी है जिसका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो इस कौम की माँ बेटी मान गई है, उसका बाप पैसे लेके भाग गया। तो जो साद रफीक साहब है उन्होंने अपने ओपन इंटरव्यूज के अंदर बहुत दफा कहा है कि मैं इन 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 लोगों की बातों के ऊपर जवाब नहीं देना चाहता। जब किसी ने पूछा कि क्या ये आपके लीडर्स हैं, उन्होंने कहा मैं इस बात पे जवाब ही नहीं देना चाहता। तो उनके लिए इस हलके का इलेक्शन लड़ना जीतना उनके लिए लाइफ एंड डेथ का मैटर था। उन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया और हर वो हरबा इस्तेमाल किया जो शायद बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। जी मिर्जा साहब क्या रिस्पॉन्ड करेंगे आप? जब मेजोरिटी जैसे ही जिसके ऊपर मेजोरिटी पूरी होगी और उस मेजोरिटी के साथ ही इस बिल ने आना है, लाने को हुकूमत ऑर्डिनेंसेस भी ला सकती थी, जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके ऊपर हम ऑर्डिनेंसेस लेके आए हैं। जी बिल्कुल। फिर हम क्या, फिर हमें ये कहा जाता है कि जी आप डिक्टेटर हैं, क्या इस हुकूमत के पास ये रास्ता नहीं है, आप ऑर्डिनेंस ले आए, ऑर्डिनेंस ला के पास कर दें, तो आपको तो मसला कोई नहीं, आप सारे बैठ के मुंह देखें। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ने शहबाज शरीफ को, अपोजिशन की पार्टी को, जो मौलाना साहब जो हर जगह पहुंच जाते हैं, अब उनको सारी जगह के ऊपर, इन सब पार्टी को, जमात को, जमात इस्लामी हर पार्टी को दावत दी है, पीपल्स पार्टी को, कि आप आए आके बैठे हमारे साथ डेलिब्रेशन करें और अपना ये जो अपना इलेक्शन कमीशन है, जब आपको ये कहा जाता है कि आप बैठ के डेलिब्रेशन करें और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो नियत में आपकी फतूर है इमरान खान की नहीं। जी बिल्कुल। आप जी मिर्जा साहब, मैं देखिये जब इन्होंने पैसों की बात की है ना, फिर ये साबित हुआ कि ये जो इन्होंने हम कहते हैं सिलेक्टेड है, इनके जो एटीएम मशीनें थी हलीमा बाजी में जितनी दौलत बनाई है सिलाई मशीन से, अब ये बिल्कुल जो है ना बात से, नहीं मेरे बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बहन ने आपकी बात में बोला नहीं, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, आपने बात की है कि वो चोर जो पैसे लेके भाग गए। मिर्जा साहब मुझे भी गुफ्तगू आती है। मिर्जा साहब जरा आप जातियात पे ना जाएं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है मिर्जा साहब जातियात पे ना जाएं। मेरी बहन ने, मेरी बात सुने, जी जी मेरी बहन ने पहले इत्तेदाद शुरू की है। मिर्जा साहब उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की जातियात पे, बिल्कुल नहीं गई, ना किसी की दौलत का, ना किसी की सिलाई मशीन का उन्होंने जिक्र किया है। आप प्लीज इस चीज पे मत, मेरी बात सुने, मेरी बहन ने पहले बात, इन्होंने पहले बात शुरू की है, आप प्लीज, इन्होंने पहले बात शुरू की है कि वो बार बार गए पैसे लेके जमीर। मिर्जा साहब बात ये हो रही थी, मिर्जा साहब मेरी सुने, बात ये हो रही थी, मेरी पहले बात, तीन हजार मैं जवाब देना जानता हूँ, मेरी बात सुन ले आप खामोशी से। जी सुना, मेरी बहन ने पहले बात की है कि वो अपना जमीन बेचकर बाहर चले गए, मैं उसका जवाब देने लगा हूँ कि वो बेजमीर नहीं है, वो जमीर वाले लोग हैं, उन्होंने तो इनके शौकत खानों के लिए 50 करोड़ रुपया दिया था, जिस वक्त ये ज़कात के पैसे लेता था। मेरी बहन ने ये बात शुरू की है, मैं तो बड़े अदब से अपनी बहन की बात सुन रहा था। जी 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 मिर्जा साहब, ऐसे ही अदब मलहूजे खातिर रहना चाहिए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है अदब मलहूजे खातिर रहना चाहिए। मेरी बहन ने पहले ये गुफ्तगू की है, किसी की जात पे बात इन्होंने की है, मैंने बात नहीं की। देखें वो तो पैसा बाहर लेके जाना है, ये अपने लफाज वापस ले ले तो मैं अपने लफाज वापस ले लूंगा। इनको भी बड़े अच्छे से तरीके से बताया कि अगर जातियात की बात करेंगे ना, जातियात की बात कहीं और निकल जाएगी। नहीं नहीं वो तो बड़ी दूर तक निकल जाएगी। मिर्जा साहब उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, उसी की तरह रखे, मैंने कोई ऐसी बात की नहीं है। इसलिए आपने, मेरी बहन, आप मेरी बात में ना बोले, आपने पहले कहा है कि वो जमीर, अगर आपको जवाब, आपने ऐसी क्यों बात की, आप एक्सेप्ट कर लेना, आप एक्सेप्ट कर लेना, गलत डिफेंड ना करें। आप कभी महंगाई का रोना शुरू कर देते कि आप लीमाबाजी की तरफ चलाते, आप नहीं मैं तो बात, आपने स्ट्रीट, एक मिनट, आपने मरियम नवाज का नाम क्यों लिया? मेरी बहन, आपने मरियम नवाज का कहा है, नवाज शरीफ साहब का आपने कहा है, तो अगर मैं कहूंगा अलीमा पॉलिटिक्स में है, अलीमा बाजी क्या पॉलिटिक्स में है, क्या वो कोई ओहदा रखती है,
क्या वो कोई नहीं तो उनका रखती है मुझे बता दें। नहीं तो फिर आप ऐसी बातें जो करेंगी तो फिर जवाब देखे देखे मिर्जा साहब मुहतरमा मरियम सफदर साहिबा सियासत में है, वो नायब सदर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, मुहतरमा मरियम सफदर साहिबा, उनके बारे में बात हो सकती है। आप पार्टी में बने, आप बात सुने। जी जी देखिए ये पार्टी वाली बात नहीं है, आप जवाब दे देना, आप जवाब दे दे। मैं जवाब आपको दूंगा। जैसे देखिए पीटीआई में उनका कोई योद्धा है या उनका हुकूमत ने कोई योद्धा है इस बात को? चलो मैं इमरान खान न्याजी साहब की बात कर लेता हूँ, मैं इमरान खान न्याजी साहब की बात कर लेता हूँ, बिल्कुल करें। मैं न्याजी साहब की बात कर लेता हूँ कि आपने कहा ये, मैं कहता हूँ ये बहुत सादिक और अमीन है जी, आप जिसकी बात करते हैं ये बहुत सादिक और अमीन है। इन्होंने मेरी बहन मेरी बात सुने। जी 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 फरमाएं। चीनी चोरों के खिलाफ क्या फैसला दिया है, आटा चोरों के खिलाफ क्या फैसला दिया है, करप्शन सामने आ गई। इन्होंने रिंग रोड पिंडी वालों का, इन्हें पिंडी वाले रिंग रोड वालों का क्या किया है? ये मेरा ख्याल है इनकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि फैसला किसने करना है। जी बताएं आप, आटा चोरों और चीनी चोरों रिंग रोड वालों के खिलाफ क्या हुआ है, क्या फैसला दिया है? क्या हुआ है? मेरी बहन बताए, चलो मैं जात पे बात नहीं करता। जी मिर्जा साहब बता रही हैं वो। जी मोहतरमा ज़ैनब उमर साहब फरमाइएगा। देखें पहली बात ये की जहाँ के ऊपर जहांगीर तरीन साहब, आपको तो बड़े अच्छे से पता है, इन्होंने तो मिसाल ही जहांगीर तरीन साहब की दी है जो की इमरान खान के सबसे करीबी दोस्तों में थे। जी क्या इमरान खान साहब ने एक भी दिन जहांगीर तरीन साहब को डिफेंड किया? पूरा मीडिया ने दिखाया है कि तरीन साहब ही नाला है और इमरान खान साहब ने उनसे, इन्होंने तरीन साहब ने मुलाकात करने के बारे में भी कहा और इमरान खान साहब ने रिफ्यूज कर दिया कि मैं इस चीज को डिफेंड नहीं करूंगा। मतलब एक इतना बड़ा फैसला अपने ही दौर के अंदर होते हुए, इन्होंने तमाम जितने भी मिनिस्टर्स हैं जिस किसी की उनको करप्शन नजर आई है उन्होंने फौरी तौर के उनको अपने ओहदों से रिमूव किया है, इस्तीफे दिलवाए हैं। आप जो ये जो बात कर रहे हैं, ये जो रिंग रोड की आप बात करें, क्या इसके ऊपर ज़ुल्फ़ी बुखारी ने इस्तीफा नहीं दिया? उन्होंने कहा जाओ जाकर डिफेंड करो। तो इमरान खान की अदालत है, क्या इमरान खान सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट है? तो एक शख्स अगर इतनी ईमानदारी के साथ, इनके दौर में आज तक कभी ये प्रेसिडेंट सेट हुई थी? आज तक आपने कभी देखा था? ये तो हमेशा आज वो खुद डिफेंड कर रहे हैं, जो खुद आज जिनकी बात कर रहे हैं कि जमीर और फलाना, वो सारे जितने भी उनके जमीर हैं वो सारे जमीर उधर ही हैं। तो यहाँ पे ये जो इससे ज्यादा की तो और कोई मिसाल ही नहीं है। या तो वो ये कहें कि नहीं जी इन्होंने नहीं किया, उनकी जगह पर खुद वो स्पोर्ट्स पर्सन उसको एनआरओ मिला है, जो कहता था ना मैं एनआरओ नहीं दूंगा, जंगीर तरीन को एनआरओ मिला है। अच्छा, अब ये ना वो ये अब वो रटी रटाई बातें वो जो कर रहे हैं, मेरा ख्याल है इसके ऊपर मैं आके नहीं जा रही हूँ, क्योंकि बहस बराए बहस और वो बहस जिसका कोई हासिल नहीं है, मैं उसके ऊपर नहीं जा रही। आप अच्छा आप सवाल आप ये फरमाइएगा मोहतरमा ज़ैनब उमर साहब, ये फरमाइएगा क्या किसी इदारे के सरबरा को पार्टी बनना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, ये जो भी ऐसा नहीं होना चाहिए। देखे मैंने तो ये बात कही है की कभी भी ऐसा नहीं होता। जो इदारे का जब सरबराह होता है, हमें जैसे हम बाकी चीजों के मिसाल ले रहे हैं ना, मैं आपको इसी तरह ये मैं दोबारा वापस छोटी मिसाल से चली जाती हूँ कि जो बार एसोसिएशन के इलेक्शन होते हैं, ये बहुत बड़े इलेक्शन होते हैं, आप लोगों को अंदाजा नहीं है। इन इलेक्शन में भी लोग इसी तरह करोड़ों अरबों पता नहीं क्या को चलाते हैं, जिनको हम डिस्करेज करते हैं, और तमाम डिफरेंट पार्टीज होती है उसमें, नून लीग से एफिलिएशन होती है, पीपल्स पार्टी से होती है, पीटीआई से होती है, सब जगहों से होती है। लेकिन जब एक दफा वो सदर मुंतखब हो जाता है उस बार का, तो फिर वो सबका सदर हो जाता है। उसने बाद में जिस टाइम पे उसने ये पार्टी नहीं बनना, उसने अगर कुछ काम करना है तो उसने मैं जिस मर्जी मेरी पार्टी की एफिलिएशन है, वो इस बार का सदर है, वो किसी पार्टी का सदर नहीं है। ठीक है, बिल्कुल किसी चीज के ऊपर पार्टीबाजी जो है वो करने से साफ जाहिर होता है कि आप जो है वो गांधी के मुर्तकिब हो रहे हैं और आप जो है ना उनकी तरफ अपना टिल्ट शो कर रहे हैं। जी मिर्जा साहब आप फरमाइएगा क्या किसी मैं वही बात दोबारा अपनी दोहराने लगा हूँ जो इमरान खान न्याजी साहब ने कहा था कि मैं जो भी खर्च करूंगा बलदियाती अदारों को दूंगा। आज ये जो अपने टिकट होल्डर है, हरे हुए एमपी हैं, आज ये उन्हें जो फंड दे रहे हैं, क्या ये रिश्वत की सूरत में नहीं है? मेरी बहन इसका जवाब दे दे। मेरी बहन आप जी मिर्जा साहब जवाब सुन भी लेना, मिर्जा साहब आपने सवाल पूछा तो जवाब भी सुन ले। जी फरमाइएगा। ये जो बात ये कर रहे हैं ये बिल्कुल बेपर के उड़ा रहे हैं। इमरान खान ने उन लोगों को पैसे दिए और फंडिंग दी और सारा कुछ दिया। अगर ये पैसे फंडिंग दी होती तो उनके लिए तो बड़ा आसान था, जाके गली सड़के मोहल्ले अगर कोई रह गए हैं फटाफट उनको जाके ठीक करा लेते। ये काम आपकी हुकूमत से उससे पहले का होता है। किसी शख्स जितने भी लोग हैं आप इनसे को छोड़ें, आप जाके उन लोगों से पूछें, टिकट होल्डर से पूछें, ये तमाम के तमाम वो वर्कर्स थे, बाकायदा पूरा बोर्ड बना था, बोर्ड ने उन सब लोगों ने आके अपने नाम दिए हैं, बोर्ड ने उनकी स्कोरिंग की है, स्कोर करके सब लोगों ने अपने वर्किंग की है।
और उस सारी वर्किंग के बीच में उन लोगों ने किया, अगर पार्टी ने फंड किया होता तो फिर आपके आपके और हमारे हालात डिफरेंट होते। ये चलो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। हेलो जी 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 फरमाइए मिर्ज़ा साहब। मैं भी इस्तीफा लिख के आपके पास भेज देता हूँ, मेरी बहन भी भेज दे। अगर टिकट होल्डरों को फंडिंग ना हुई हो, टिकट होल्डरों को तरक्याती कामों के लिए पैसे ना मिले और रिश्वत की सूरत में, तो मैं भी अपनी सीट से इस्तीफा दूंगा और मेरी बहन भी दे, और उसके अलावा जो जुर्माना कहे मैं भरने के लिए तैयार हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मिर्ज़ा साहब जो है वो हमारे असेंबली की मेंबरशिप छोड़ दें, और मैं ये चाहती हूँ कि ये असेंबली में रहें और सारे जो अगले भी 2 साल रह गए वो पूरा टेन्योर पूरा करें। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती। नहीं, उन्होंने तो आपको चैलेंज कर दिया ना कि मैं भी रिजाइन देता हूँ, आप भी रिजाइन दे दें। देखिए मेरी बात सुनिए, पहली बात ये कि ये जहाँ तक ये जो बात कर रहे हैं ना, इन लोगों ने बड़े इस्तीफे दिए हैं, इन लोगों ने बड़े रिजाइन किए हैं, इन लोगों ने बड़ा कुछ किया है, तो ऐसे वो वाली बातें तो आप छोड़ देना। ये बात के प्रोग्राम में अगर शोल शुरू हो गया, अगर लतीफेबाजी शुरू हो गई है तो वो एक अलग बात है। ये जो बात कर रहे हैं बिल्कुल, मैंने कहा ना ये बेपर की उड़ा रहे हैं। मेरी बहन आप फिर आप असल बात माने ना, देखे आपको पूरी दुनिया देख रही है, आप अपनी बात को तस्लीम करें कि हमने फंडिंग दी है। आप सुबह LDA के ऑफिस आ जाए, सुबह LDA के ऑफिस आ जाए, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। अगर ऐसा है तो आप सुबह ना आप इसी प्रोग्राम हमारा आपकी जो बात कर रहे हैं ना जी, आप दोबारा से कल लेके आए मिर्ज़ा साहब को, लेके आइए दोबारा, ठीक है। और मिर्ज़ा साहब जाएं और नैब के बीच में जाके कल सुबह दरखास्त दे के आएंगे आपके प्रोग्राम के बीच में कहाँ कहाँ फंडिंग हुई है। ठीक है, कल ये नैब में दरखास्त देनी है और फिर आके उन्होंने इस्तीफा देना है, फिर आगे बात करें। इस तरह खाली हवा में नहीं बातें करनी है, जाएं जाके। नहीं मेरी बहन, आप सुबह LDA के LDA के ऑफिस से ना लिस्ट निकाल लें कि टिकट होल्डरों को कितना फंड मिला है जी। आप सुबह सुबह जाएं और किससे निकाल लें, LDA के ऑफिस के इंजीनियर LDA से आप निकाल लें कि कितना कितना फंड मिला है। ये अगर आप नहीं तो मैं आपको लिस्टें भेज दूंगा। LDA के पास फंडिंग की डिटेल है? नहीं नहीं, मेरे पास सारी की डिटेल है। अगर आप LDA की चाहेंगी तो LDA से मिल जाएगी, जहाँ की आप लोकल गवर्नमेंट की चाहेंगे मिल जाएगी, कि जो टिकट होल्डरों को मिले हैं ना, या सुबह आप किसी हल्के में चले गए जो पीटीआई के आए हुए कल आपके प्रोग्राम में आवेदन करेंगे, आपके प्रोग्राम में कल आवेदन करेंगे, ये कल जाएं अपने LDA से कर ले। ओके डन। फंडिंग की डिटेल है ना जी, टिकट होल्डर्स की फंडिंग की डिटेल कल लाके आपके प्रोग्राम के अंदर शो करेंगे, कल हम दोबारा आपके पास आएंगे। जी नाजरीन, टिकट होल्डर्स को जो फंडिंग हुई है उसकी डिटेल जो है वो मिर्ज़ा साहब कल के प्रोग्राम में देंगे। नाजरीन प्रोग्राम आपने देखा, इलेक्शन असलाहत के हवाले से ये जो कुछ भी किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुतारफ करवाई गई लेकिन उस पर तहफ़ात हैं, इलेक्शन कमीशन को भी और अपोजिशन को भी, कोई भी इस बात पर एग्री होने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि इलेक्शन जो हैं वो ट्रांसपेरेंट हों, साफ शफाफ हों, ताकि जो नतायज हैं वो भी साफ शफाफ ही आएँ। नाज़रीन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपसे कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।